हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है और इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए ताकि आपको इस गुड न्यूज़ के बारे में पता चले और आपको आपके रिज़ल्ट की अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी मैं आपको DSM P1 रिज़ल्ट 2019 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 कट ऑफ मार्क्स के बारे में। पोस्ट नेम आप जानते हो, P1 जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3। नेम ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग बोर्ड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम। टोटल नंबर वैकेंसी हैं 230 पोस्ट। इनिशियल डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वैकेंसी थी 8 मार्च 2019 और एंडिंग डेट सेंड एप्लीकेशन की एंड सबमिट करने की तारीख थी 30 मार्च 2019। ऑफिशियल एड्रेस आप जानते हो, www.d.assam.gov.in। तो इसमें कट ऑफ मार्क्स जो है इस तरीके से आप देख लीजिए, जनरल के लिए 70%, SC के लिए 60%, ST के लिए 55%, OBC के लिए 65%, ठीक है। और इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें आपको देखी यहाँ पे कैसे चेक करना है, सबसे पहले बता देती हूँ आपको। पहले आपको जाना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच जो मैम आपको मैंने ऊपर बताई थी, उसके बाद होम पेज आपके सामने खुल जाएगा और आपको लिंक देखना है DSM असिस्टेंट रिज़ल्ट 2019 का। उसके बाद आपको उसके लिंक पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और DOB यानी डेट ऑफ बर्थ डालना है। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। फाइनली फिर आपके सामने आपका जो ये मेरिट लिस्ट होगा ये आपको दिखाई दे जाएगा। इन कंक्लूजन लास्ट में आपको जो है आप PDF से डाउनलोड करके अपना रिजल्ट अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर आप देखिए। हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड इन द, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं मेरिट लिस्ट में। नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। भाई जितनी वैकेंसीज दे रखी है ना, जितनी वैकेंसीज दे रखी है उनसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड, उनसे ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। द रीज़न ऑफ दिस, इसका कारण ये है कि इज़ ड्यू टू नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो नेक्स्ट स्टेज में, ये इसका कारण है। और कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका नेक्स्ट स्टेप होगा और देयरफॉर सम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मे बी बिकम लेस। इस कारण जो है कुछ जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो कम हो सकती है। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर सिलेक्शन इन DSM एज जूनियर असिस्टेंट एंड P1? भाई इसका आंसर भी दे रखा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सिलेक्शन के बाद। तो इसमें दे रखा है आफ्टर द रिजल्ट, जैसे आपका रिजल्ट आप देख लोगे तो कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा राउंड वेयर दे हैव द प्रोड्यूस ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जहां आपको दिखाने पड़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हर एजुकेशन आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, एक सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन ज्वाइनिंग लेटर एट देयर होम एड्रेस। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपके घर के एड्रेस पर आएगा, ठीक है। तो अब जो है आपको देखिए, सबसे ऊपर आप पहुंच जाइए इसके, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे येलो कलर के अक्षरों में जो इसमें हाईलाइट करा गया है, इसमें लिखा गया है DSM.gov.in रिजल्ट 2019 4 एंड 3 जूनियर असिस्टेंट रिटर्न टेस्ट ऑन 18/8/15/2019। कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम विल सून बी एबल टू चेक DSM P1 मेरिट लिस्ट। भाई इसमें जो है आपके रिजल्ट की जो अपडेट लिखी हुई है वो लिखा हुआ है सून, और यहाँ पे आप देखिए फ्रंट पेज पे गूगल के, तो DSM P1 रिजल्ट 2019 रिजल्ट असम डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंडक्टेड, ये आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम विल सून, हर जगह सून लिखा हुआ है, एक एग्जैक्टली डेट नहीं लिखी हुई है। लेकिन आई होप और भी आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ है कि जनवरी 2020 में जो है आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ जल्दी से जल्दी मिल सके। तो यही आपके लिए गुड न्यूज़ थी कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, और आप इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन एंड देन यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।